खमा गनीसा, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा राठौर। मेरा ससुराल धांगड़वास गांव में है, वहां पर मैं पगे लगकर आ चुकी हूं। और अभी हम लोग जोधपुर बिजेश में हैं, तो वहां पर जो आसपास के घर है और जो मेरे मामिया सासू जी के घर है, वहां पर मैं पगे लगने जाऊंगी। रखड़ी बांधते वक्त हम हेयर का पार्टीशन करके नॉर्मली रखड़ी बांध देते हैं, पर कभी कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। तो आज मैंने क्या किया कि फ्लेक्स को निकाल कर ऐसे टर्न करके पीछे पिनअप कर दिया। इतने हैवी डंके वर्क की पोशाक मैंने कैसे डिज़ाइन करवाई 22,000 में, जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अब चलते हैं जोधपुर की सड़कों पे। सबके घर पगे लगने जाने से पहले माता जी का मंदिर है हमारे घर के पास, वहाँ पर धोख लगना होगा। तो अब चलते हैं पहले घर में। सेकेंड घर में जहाँ हम गए, वो मेरे ननिहाल के रिश्तेदार निकल चुके थे, तो उन्होंने मुझे पगे नहीं लगवाया। मुझे भी उनके घर जाकर ही पता चला कि ये तो मेरे ननिहाल के रिश्तेदार है। इस ओढ़ने पर हैवी डंके वर्क का जाल है, तो ये सुंदर भी लग रहा है और खिसक भी नहीं रहा है, पर इसका थोड़ा वजन भी लग रहा है। पहले ये मेरी जेठानी सा पगे लग रहे हैं। अभी हम जिनके घर पे गए वो लोग घर पे नहीं थे, तो वो कुछ दिन बाद आएंगे हमारे घर पे मुंह दिखाई के लिए। शादी से पहले जब मैं जोधपुर में रहती थी तो मैं जींस टॉप पहन के घूमती थी, और आज जब मैं पोशाक पहन कर घूम रही हूँ सड़कों पे, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा था मुझे। मेरे दोनों मामिया सासू जी का जो घर है वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है जोधपुर में, तो हम लोग वहाँ कार से गए थे और इतना थक चुके थे कि वीडियो बनाना ही भूल गए। कभी और वीडियो में ज़रूर बताऊँगी।